Hey guys, welcome back to my channel, and today we are going to start with our first chapter of class 11th biology NCERT, that is living world. Okay, तो ये जो चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड, ये बहुत ज़्यादा ईजी चैप्टर है, बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है. इसके अंदर सारा वही चीज़ें दी है जो आप प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हो. तो हम फटाफट से शुरू करते हैं लिविंग वर्ल्ड. ओके, सो लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजी इज़ ऑल अबाउट लिविंग. ठीक है, जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हो कि बायोलॉजी क्या है, इट इज़ ऑल अबाउट लिविंग. अब अर्थ के ऊपर आप बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज़म्स देखते हो, सब अलग अलग टाइप्स के हैं, सबकी वेराइटीज़ अलग है. आप यूनिसेल्युलर से ले कर मल्टीसेल्युलर तक देखते हो. यूनिसेल्युलर में अगर हम बात करें तो सबसे छोटा ऑर्गेनिज़म कौन सा होता है, माइकोप्लाज्मा, दैट इज़ PPLO, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज़म. और लार्जेस्ट ऑर्गेनिज़म की अगर मैं बात करूँ तो ब्लू व्हेल. तो ये आप जो डाइवर्सिटी देख रहे हो साइज़ के अंदर, वैसी ही डाइवर्सिटी आप देखते हो कलर के अंदर. दिस वर्ल्ड इज़ सो कलरफुल, देर आर सम कलरलेस ऑर्गेनिज़म्स, सम आर वेरी ब्राइटली कलर्ड ऑर्गेनिज़म्स. तो अगेन डाइवर्सिटी है. तो ये जो हमारा लिविंग वर्ल्ड है, जितनी भी लाइफ है उसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, बहुत ज़्यादा अलग अलग चीज़ें हैं. तो इस चैप्टर के अंदर हम यही देखेंगे कि इनको क्लासिफाई कैसे करना है, इनको कैटेगराइज कैसे करना है. ओके, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि हम किसे लिविंग में कंसिडर करेंगे और किसे हम नॉन लिविंग में कंसिडर करेंगे. ठीक है, हालांकि आप सब जानते हैं कि लिविंग को हम क्या बोलते हैं, बायोटिक, और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं एबायोटिक. ओके, तो फटाफट से कुछ क्राइटेरिया देख लेते हैं जिससे कि हम कोई भी ऑर्गेनिज्म को लिविंग बोल सकते हैं या तो नॉन लिविंग. तो सबसे पहला जो क्राइटेरिया दिया है, दैट इज़ ग्रोथ. ऐसा बोला जाता है कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म लिविंग है तो वो ग्रो करता रहता है. अब जैसे कि मैं आपको बात करूँ प्लांट्स की, तो आपको पता है कि प्लांट्स थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन ग्रो करते हैं. एम आई करेक्ट? स्टार्टिंग फ्रॉम देयर लाइफ अप टू देयर कंप्लीट लाइफ स्पैन, प्लांट्स कीप ऑन ग्रोइंग. ठीक है, तो ये हमने फर्स्ट देखा कि हाँ प्लांट्स ग्रो करते हैं. अब हम बात करते हैं एनिमल्स की, तो एनिमल्स थ्रू आउट द लाइफ ग्रो नहीं करते. एक सर्टन एज पे आने के बाद उनकी जो फिजिकल ग्रोथ है वो रुक जाती है, बट उनके अंदर सेल डिवीजन चलता रहता है. जो भी आपके लॉस सेल्स है, डैमेज सेल्स है, उन्हें रिप्लेस करके नए सेल्स आते रहते हैं. तो हम बोल सकते हैं कि एनिमल्स भी थ्रू आउट द लाइफ ग्रो करते हैं. ठीक है, अब हम बात करते हैं बैक्टीरिया या यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की. तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के अंदर आपको डायरेक्ट ग्रोथ नहीं दिखेगा, बट आप देखते हो उनमें सेल डिवीजन होता है, दैट इज़ फ्रॉम 1 to 2, 2 to 4, 4 to 8 एंड सो ऑन, दे कीप ऑन डिवाइडिंग. तो अगेन ये एक टाइप का उनके अंदर क्या हुआ, ग्रोथ. अब जब हम ये चीज़ें कंसिडर कर रहे हैं तो हम नॉन लिविंग की बातें करें, जैसे कि माउंटेन. तो माउंटेन भी ग्रो करते हैं. माउंटेन का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ होता रहता है, उस पर लेयर्स आने की वजह से, डस्ट के लेयर्स है या जो भी चीज़ के लेयर्स है. हमने यहाँ पे ग्रोथ को इस पर्सपेक्टिव में कंसिडर किया है, इंक्रीज इन बॉडी मास. अगर कोई भी चीज़ का टाइम के साथ बॉडी मास इंक्रीज़ हो रहा है तो हम उसको उसकी ग्रोथ कंसिडर करते हैं. तो इंक्रीज़ इन बॉडी मास क्या है, एक तरह का ग्रोथ है. तो उस हिसाब से माउंटेन्स ने भी ग्रो किया. सैंड ड्यून्स जो बनते हैं, ठीक है, बट हम जानते हैं कि वो क्या है, नॉन लिविंग है. तो इस क्राइटेरिया को हम कंसिडर नहीं कर सकते. ग्रोथ कैनॉट बी कंसिडर्ड एज क्राइटेरिया फॉर लिविंग, क्योंकि नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी ग्रो कर रहे हैं, दो दे आर ग्रोइंग एक्सटर्नली, वी आर ग्रोइंग फ्रॉम इंटरनल थिंग्स, दैट इज़ फ्रॉम इंटरनल सेल डिविजन्स, बट हम ग्रोथ के क्राइटेरिया को कंसिडर नहीं करेंगे. ओके, अब हम शुरू करते हैं हमारा सेकेंड क्राइटेरिया. क्राइटेरिया क्या है, रिप्रोडक्शन. तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं? जैसे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, दे कंटिन्यूसली डिवाइड, सेल डिवीजन उनमें होता है. प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं, एनिमल्स रिप्रोड्यूस करते हैं, और जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो रिप्रोड्यूस नहीं करते.
तो क्या ये एक क्राइटेरिया हुआ रिप्रोडक्शन? अब अगर मैं बात करूँ तो कुछ ऑर्गेनिजम्स स्टराइल भी होते हैं. स्टराइल का मतलब है जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, जैसे कि म्यूल्स. ठीक है, म्यूल इज अ हाइब्रिड ऑफ डोंकी एंड हॉर्स. ठीक है, तो ये जनरली दिज आर स्टराइल एंड दे डू नॉट रिप्रोड्यूस. तो क्या ये लिविंग नहीं है? नो, दे आर लिविंग. ठीक है, तो रिप्रोडक्शन जो है, अगेन दिस इज नॉट द क्राइटेरिया टू डिसाइड वेदर समथिंग इज लिविंग और नॉट. कमिंग टू अवर थर्ड क्राइटेरिया, दैट इज मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म का मतलब है कि आपकी बॉडी में जो भी सेल्युलर रिएक्शंस हो रहे हैं, इनको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म. जो भी कंटिन्यूअसली सेल्युलर रिएक्शंस होते रहते हैं आपकी बॉडी में, उन्हें मेटाबॉलिज्म बोलते हैं. तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्लांट, एनिमल, बैक्टीरिया, कहीं से भी आप ले लो, सबके अंदर कॉन्स्टेंटली मेटाबॉलिज्म हो रहा है, कॉन्स्टेंटली सेल्युलर रिएक्शंस हो रहे हैं. बट नॉन लिविंग के अंदर आपको मेटाबॉलिज्म नहीं मिलेगा, आपको कोई भी बॉडी के रिएक्शंस नहीं मिलेंगे. तो हाँ, ये एक करेक्ट क्राइटेरिया है आइडेंटिफाई करने का कि जब तक कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है उसकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म चलता रहता है. ओके, नाउ कमिंग टू अवर फोर्थ क्राइटेरिया, दैट इज रिस्पॉन्स टू स्टिम्यूलाई. रिस्पॉन्स टू स्टिम्यूलाई का मतलब है कि हमारा जो आउटर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसकी तरफ हमारी अवेयरनेस, हम कितने अवेयर हैं. जैसे प्लांट्स है, तो आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि प्लांट्स बहुत चीज़ों को रिस्पॉन्ड करते हैं. दे रिस्पॉन्ड टू लाइट, दे रिस्पॉन्ड टू ग्रेविटी, दे रिस्पॉन्ड टू टच. ठीक है, तो अलग अलग आपने ट्रॉपिक मूवमेंट्स पढ़ी है प्लांट में. ठीक है, एनिमल्स है तो एनिमल्स भी रिस्पॉन्ड करते हैं. एनिमल्स रिस्पॉन्ड टू डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स, आपने रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्क, ये सारी चीज़ें 10th क्लास में पढ़ी हुई है. ठीक है, अब अगर मैं बैक्टीरिया की बात करूँ तो हाँ, बैक्टीरिया भी रिस्पॉन्ड करते हैं. कुछ भी केमिकल या किसी के भी तरफ आप अगर डालोगे कोई बैक्टीरिया के कल्चर में, तो कुछ केमिकल या न्यूट्रिएंट उन्हें सूट करेगा तो बहुत फास्ट ग्रो करेंगे, किसी में वो ग्रो ही नहीं करेंगे. ठीक, इफ़ आई टॉक अबाउट ह्यूमन बींग्स, तो ह्यूमन बींग्स में कई बार ये होता है कि वी लूज़ अवर सेंसेस. जैसे किसी को पैरालिसिस है, कोई कोमा में है, ठीक है, समवन इज़ ऑन वेंटिलेटर और ब्रेन डेड, तो उस टाइम पे हम हमारी सेंसेस लूज़ कर देते हैं, बट स्टिल वी आर अलाइव. सो दिस के नॉट बी कंसिडर्ड द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे टू क्लासीफाई वेदर समथिंग इज़ लिविंग और नॉट. सो मोस्ट अप्रोप्रिएट वे टू क्लासीफाई इज़ बाई सीइंग देयर बॉडी मेटाबॉलिज्म. I hope this is clear to you all. Okay, so as we have discussed different characteristics of living, now let us move forward. And now we have already known the categories which are used to classify whether something is living or not. Okay, अब ये जानने के बाद let us count कि इस अर्थ पे कितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स है. सो अकॉर्डिंग टू अ स्टडी देर आर अराउंड 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज और 8 मिलियन वेराइटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन दिस अर्थ. अब ये जो 1.7 टू 1.8 मिलियन है, ये तो सिर्फ स्पीशीज है. अब इसके अंदर और कितनी ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन है. अब इन सबको स्टडी करना इज़ नॉट अ ईजी टास्क, है ना. वी के नॉट गो एंड रेंडमली स्टडी ईच एंड एवरी स्पीशीज और ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन सबको अरेंज करना पड़ेगा. ठीक है, हमें इनको अरेंज करना पड़ेगा, इनको नेम्स देने पड़ेंगे अलग अलग, सो दैट इनकी स्टडी को क्या हो कर सके, हम आसान बना सके. ठीक है, सो देर इज़ अ प्रोसेस विच इज़ कॉल्ड नोमेनक्लेचर. Nomenclature is a process of naming organism. ठीक है, अब ये जो process है ये बहुत ज़्यादा specific है. इससे ये चीज़ देख इंश्योर की जाती है कि जो भी organism है, जो भी एक species है, उसका बस एक scientific name है जिससे उसे पूरे world में recognize कर सकते हैं. Only one scientific name for each species through which it could be recognized overall world. ठीक है, तो nomenclature यानी कि आप scientifically कोई भी organism को जो नाम देते हो उसे nomenclature बोलते हैं. अब nomenclature के अंदर
जो भी बॉटनिकल ऑर्गेनिज्म है, बॉटनिकल यानी कि प्लांट या जूलॉजिकल, तो इनको अलग अलग नाम दिया जाता है। ICBN इज इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है। इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है तो ये आपको याद रखना है, ICBN इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। ICZN नाउ दिस इज इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। तो इस तरह से बॉटनिकल और जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर को हम अलग अलग करते हैं। सेकेंड है आइडेंटिफिकेशन। अब कोई भी ऑर्गेनिज्म को नाम देने के लिए, उसे क्लासिफाई करने के लिए, सबसे पहले सबसे बेसिक चीज़ क्या है, उसे आइडेंटिफाई करना। आप अगर उसे आइडेंटिफाई करोगे तभी तो आप उसे कुछ कैटेगरी में रख पाओगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई से डॉग्स, ठीक है, तो आप सबके दिमाग में एक पिक्चर आ जाएगी डॉग की, ठीक है। आप उस वक्त अगर मैं आई एम आस्किंग यू टू इमेजिन अ डॉग, यू विल ऑब्वियसली इमेजिन अ डॉग एंड नॉट कैट, क्योंकि आपके अंदर वो आइडेंटिफिकेशन क्लियर है, ठीक है। इफ़ आई एम आस्किंग यू टू आइडेंटिफाई अ वीट प्लांट एंड अ मैंगो प्लांट, ठीक है, मैंगो ट्री रादर आई वुड से, तो आप उसे आसानी से डिस्टिंग्विश कर पाओगे बिकॉज यू हैव अ क्लियर आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने से पहले उससे आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वंस वी हैव आइडेंटिफाइड, फिर हम उसे अलग अलग कैटेगरीज़ में रख सकते हैं। ये जो कैटेगरीज़ में रखने की प्रोसेस है उसे हम बोलते हैं टैक्सोनॉमी। व्हाट डू वी कॉल इट, टैक्सोनॉमी। या आप सिंगल किसी ग्रुप की बात कर रहे हो तो आप उसे बोल सकते हो टैक्सा। अ सिंगल ग्रुप इज़ नोन एज टैक्सा, आपने पूरे अलग अलग ग्रुप्स में उसको डिवाइड किया, टैक्सोनॉमी, ठीक है। तो टैक्सोनॉमी क्लियर हुआ। टैक्सोनॉमी में हमने क्या किया, जैसे फॉर एग्जांपल आई एम टॉकिंग प्लांट्स, तो मैंने एक स्पेसिफिक ग्रुप कर लिया। अब आप क्या इमेजिन करोगे, सारे प्लांट्स इमेजिन करोगे। इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट बर्ड्स, यू विल इमेजिन ऑल द बर्ड एंड यू वॉन्ट इमेजिन डॉग इन दैट, बिकॉज यू नो दैट डॉग इज़ एन एनिमल एंड बर्ड्स आर डिफरेंट, ठीक है, ये क्लियर है। या डॉग इज़ अ मैमल और बर्ड्स को आपने क्लासिफाई कर दिया एव्स, ओके। देन कम्स बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। नाउ दिस बाइनोमियल रिफर्स टू टू नोमेनक्लेचर, यू नो द प्रोसेस ऑफ नेमिंग एन ऑर्गेनिज्म। नाउ दिस इज़ अ वेरी फेमस कॉन्सेप्ट, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, विच वॉज गिवन बाई कार्लस लीनियस। किसने दिया था ये कॉन्सेप्ट, कार्लस लीनियस ने। नाउ लेट अस सी व्हाट इज देयर इन दिस बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ओके। सो लेट अस नाउ स्टार्ट विथ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। एज आई टोल्ड यू इट वॉज गिवन बाई कार्लस लीनियस एंड अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल नोमेनक्लेचर यू हैव टू क्लासीफाई एवरी ऑर्गेनिज्म इन टू डिफरेंट टर्म्स, जीनस एंड स्पीशीज, ओके। आपको एक जीनस का नाम देना है, एक स्पीशीज़ का नाम देना है। अब दिस बाइनोमियल नोमेनक्लेचर केम आफ्टर अ वेरी फेमस बुक रिटन, दैट वॉज सिस्टमा नेचरा, ठीक है। सिस्टमा नेचरा जो बुक इन्होंने लिखी थी और उसी से ये अब सारा पूरा क्लासिफिकेशन आया है, जिसे हम क्लासिफिकेशन को हम बोलते हैं सिस्टमैटिक्स। व्हाट डू वी कॉल दिस क्लासिफिकेशन, सिस्टमैटिक्स। अब इन्होंने कुछ रूल्स दिए हैं क्लासिफाई करने के लिए। जैसे सबसे पहला रूल है कि आप अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम देते हैं तो इट शुड बी इन लैटिन और ग्रीक, ओके। अब रीज़न ये है कि लैटिन और ग्रीक दोनों डेड लैंग्वेजेस है, तो अब उन लैंग्वेजेस में कोई चेंजेस नहीं होने वाले हैं, तो इसलिए आप कोई भी साइंटिफिक नेम दोगे तो किस में देना है, लैटिन या तो ग्रीक में। सेकंड, आप जब भी साइंटिफिक नेम लिखोगे तो आपको हमेशा जो जीनस है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखना है और स्पीशीज़ का फर्स्ट लेटर स्मॉल लिखना है। याद रखना, अगर आपने ऐसे नहीं लिखा तो एग्ज़ाम में आपके मार्क्स कट हो सकते हैं या आपको रॉन्ग भी दिया जा सकता है। थर्ड रूल है कि अगर आप नाम, कोई भी साइंटिफिक नेम हैंड रिटन है तो आपको जीनस और स्पीशीज़ को अलग अलग अंडरलाइन करना है, आपको जीनस और स्पीशीज़ को अलग से अंडरलाइन करना है। अगर आप उसे टाइप कर रहे हो तो आपको फॉन्ट रखना है इटैलिक्स। अब एक एग्जांपल दिया है मैंने यहाँ पे, मैंजीफेरा इंडिका, जो कि मैंगो का साइंटिफिक नेम है।
अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंजिफेरा किसका नाम है, जीनस का, और इंडिका किसका नाम है, स्पीशीज़ का। तो यहाँ पे जीनस के नाम का फर्स्ट लेटर मैंने कैपिटल से लिखा है, स्पीशीज़ का फर्स्ट लेटर स्मॉल है, और दोनों को अलग अलग अंडरलाइन किया है। अगर मैं इसको ऐसे अंडरलाइन करती तो ये क्या हो जाता, रॉन्ग हो जाता। मुझे कंपल्सरी इन दोनों को अलग अलग अंडरलाइन करना पड़ेगा। तो ये रूल्स क्लियर हो गए। ओके, नाउ कमिंग टुवर्ड्स द अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज़ हायरकी ऑफ क्लासिफिकेशन। हायरकी ऑफ क्लासिफिकेशन का मतलब है ऑर्डर ऑफ क्लासिफिकेशन, हम किस ऑर्डर में क्लासिफाई करते हैं। तो इसके लिए आपको एक सीक्वेंस याद रखनी है, दैट इज़ किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। ओके, अब इसको याद रखने के कुछ कुछ तरीके होते हैं, जैसे कि मैं जो तरीका यूज़ करती हूँ, दैट इज़ किड्स प्रिफर चीज़ ओवर फ्रेश ग्रीन सब्जी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सबके इनिशियल्स ले लिए, किड्स प्रिफर चीज़ ओवर फ्रेश ग्रीन सब्जी। किड्स से आ जाएगा किंगडम, पी से फाइलम, सी से आ जाएगा आपका क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। ठीक है, आप इसे कोई भी तरीके से याद रख सकते हैं। अब ये जो हायरकी है, इसमें बेसिकली ये है कि हम लोग कौन से ऑर्डर में जा रहे हैं, फ्रॉम लार्ज टू स्मॉल। सबसे ज़्यादा बड़ा वास्ट क्या होता है, किंगडम। उसके बाद क्या आता है, फाइलम। फाइलम वर्ड हम यूज़ करते हैं एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे डिवीजन। प्लांट्स के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे, डिवीजन। फाइलम इज़ फॉर एनिमल्स एंड डिवीजन इज़ फॉर प्लांट्स। सो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। तो सबसे छोटा क्या हुआ, स्पीशीज। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ किंगडम एंड आई से एनिमल किंगडम, तो आप दुनिया के कोई भी एनिमल्स को इमेजिन कर सकते हो। किसी ने इमेजिन कर लिया कैट, किसी ने हॉर्स, किसी ने डॉग, या किसी ने इमेजिन कर ली फिश, किसी ने फ्रॉग। ठीक है, बट जब मैं स्पेसिफाई करती हूँ स्पीशीज़ को, जैसे कि मैंने बोल दिया फॉर एग्जांपल अ पर्टिकुलर स्पीशीज़ ऑफ डॉग। ठीक है, मान लो मैंने बोल दिया जर्मन शेफर्ड, तो अब क्या है आपके पास ऑप्शन, आप सिर्फ एक ही को इमेजिन कर पाओगे, वही स्पीशीज़ को इमेजिन करोगे। सो सबसे लार्ज क्या होता है, किंगडम, एंड सबसे स्मॉल क्या होता है, स्पीशीज़। अब जैसे मान लीजिए जीनस, स्पीशीज़ के पहले क्या आता है, जीनस। ठीक है, तो जीनस की अगर मैं बात करूँ, मैंने आपको बोला पेंथेरा इज़ द जीनस, तो अब पेंथेरा जीनस में लायन भी आता है, टाइगर भी आता है, तो आप कुछ भी इमेजिन कर सकते हो। अगर मैं बोल रही हूँ पेंथेरा लियो, दैट इज़ लायन, पेंथेरा टिग्रिस, दैट इज़ टाइगर। ठीक है, तो स्पीशीज़ से जो ऊपर यानी थोड़ा बड़ा है वो जीनस है, जीनस से थोड़ा बड़ा फैमिली, ऑर्डर, क्लास, इस तरह से। अगर मैं फाइलम की बात करूँ, ठीक है, तो फाइलम में मैंने जैसे आपको बता दिया फाइलम आर्थ्रोपोडा। आप सब जानते हो आर्थ्रोपोडा फाइलम में क्या आते हैं, सारे इंसेक्ट्स है, क्रस्टेशियंस है, ये सब आते हैं। मैंने जैसे कि आपको बोल दिया फाइलम एनेलिडा, तो उसके अंदर सारे वॉर्म्स आते हैं। तो किंगडम के बाद क्या आता है, फाइलम। किंगडम एनिमेलिया, फाइलम एनेलिडा। ठीक है, तो इस तरह से फर्दर क्लासिफिकेशन होता जाता है, और सबसे जो छोटा होता है उसे हम बोलते हैं स्पीशीज़। अब इसके बाद मैं एक टेबल अटैच कर रही हूँ, जो टेबल आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जिसमें एग्जांपल्स दिए हैं किस तरह से इस हायरकी के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया जाता है। इज दिस क्लियर? ओके, सो नाउ वी हैव रीच्ड टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज टैक्सोनॉमिकल एड्स। नाउ टैक्सोनॉमिकल एड्स का मतलब ये है कि ऐसी चीज़ें, ऐसी जगहें या ऐसा मटेरियल जो हमें हेल्प करता है टैक्सोनॉमी की स्टडी करने के लिए, चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए या उनको कैटेगराइज करने के लिए। तो इन चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमिकल एड्स विच हेल्प अस इन डिवाइडिंग और कैटेगराइजिंग एनी स्पीशीज़ और एनी एनिमल। तो टैक्सोनॉमिकल एड्स में सबसे पहले है हर्बेरियम। नाउ हर्बेरियम इज़ अ प्लेस
प्रिजर्व पार्ट्स ऑफ प्लांट्स आर केप्ट, ठीक है, कोई भी प्लांट स्पीशीज है जो डेड है तो उसे ड्राई करके प्रिजर्व करके वहाँ पे लगाया जाता है, साथ में उसका लेबल होता है कि इसे कहाँ से कलेक्ट किया है, किसने कलेक्ट किया है, साइंटिफिक नेम क्या है, डेट क्या है कलेक्शन की. तो आपको हर्बेरियम में हमेशा से क्या मिलेंगे, सारे ड्राइड प्रिजर्व स्पेसिमेंस ऑफ प्लांट्स. ओके, सो इज़ हर्बेरियम क्लियर्ड? यहाँ पे मैं वीडियो में एक पिक्चर भी अटैच कर लूँगी जिससे आप हर्बेरियम को ज़्यादा अच्छे से समझ सको. नेक्स्ट कम्स बॉटनिकल गार्डन, जहाँ पे लाइव प्लांट्स को, अलग अलग वेराइटी ऑफ प्लांट्स को ग्रो किया जाता है, ठीक है, जिससे कि उनका आइडेंटिफिकेशन कर सके, बाजू में टैग्स लगाए जाते हैं, ठीक है. अब इंडिया से बड़ा बॉटनिकल गार्डन है क्यू, विच इज़ लोकेटेड इन इंग्लैंड. इंडिया का सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन कहाँ पे है, हावड़ा में, और बॉटनिकल इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, लखनऊ में. ओके, कमिंग टू म्यूज़ियम, ठीक है, म्यूज़ियम के बारे में आप सब जानते हो, आपने विजिट भी किए होंगे म्यूज़ियम. यहाँ पे प्लांट एनिमल्स के स्पेसिमेन रखे जाते हैं, इनको ड्राई प्रिजर्वेटिव्स डाल के रखे जाते हैं, ठीक है. अब एनिमल के जो बहुत बड़े बड़े स्पेसिमेंस हैं, इनके अंदर क्या किया जाता है, इनके अंदर का सारा फ्लैश रिमूव कर देते हैं और अंदर स्टफिंग भर देते हैं कॉटन से या किसी भी चीज़ से, क्योंकि अगर फ्लैश अंदर प्रेजेंट होगा तो वो डिकम्पोज होने लगता है. तो जैसे बड़े बड़े एनिमल्स को अगर प्रिजर्व करना है तो उनको स्टफ़ किया जाता है और उनकी एक्सटर्नल बॉडी को प्रिजर्व किया जाता है, ठीक है. अगर जैसे कि छोटे छोटे हैं, इंसेक्ट वगैरह है, तो उनको पिन करके आप प्रिजर्व कर सकते हो. फिर आते हैं जूलॉजिकल पार्क पे. जू आपने बहुत सारे विजिट किए होंगे, नेशनल पार्क भी गए होंगे, जहाँ पे बहुत अलग अलग वेराइटी ऑफ एनिमल्स, जनरली आपको एनिमल्स की सारी वेराइटी मिल जाएगी जूलॉजिकल पार्क में. नाउ कमिंग टू मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज की. सो वॉट इज की? तो की एक ऐसी चीज़ को बोला जाता है जो टेक्सोनॉमिकल एड है, जो आपको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगी. फॉर एग्जांपल, यू आर रोमिंग इन योर गार्डन, आपको सडनली एक ऑर्गेनिज्म मिलता है, आप उसे क्लासिफाई करना चाहते हो बट आप नहीं आइडेंटिफाई उसे कर पा रहे हो, तब आप क्या यूज़ करोगे, की. तो की क्या करती है, आपको अलग अलग ऑप्शंस देती है. फॉर एग्जांपल, उसने आपको दो ऑप्शंस दिए, सबसे पहले आपने जैसे ही उसमें डाला कि ये मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, तो की में आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, इज़ इट प्लांट और एनिमल, आपने सेलेक्ट किया एनिमल. आगे आपको ऑप्शन मिलेंगे, उसके पास वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है या नहीं है, आपने सपोज सेलेक्ट किया वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है तो वो उसको वर्टिब्रेट्स में डाल देगा. फिर उसको आपको ऑप्शन देंगे बाद में कि आपको कहाँ से मिला, वाटर में से, लैंड में से, उसके पास फिन्स प्रेजेंट है, उसके पास टेल प्रेजेंट है, ठीक है. तो ये सारे ऑप्शन सिलेक्ट करते करते अल्टीमेटली आप कहाँ पे पहुँच जाओगे, लास्ट उसकी स्पीशीज़ पे, और आप उसे आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये कौन सी स्पीशीज़ है. तो की में जब आप हर एक स्टेप पे आगे बढ़ते हो, हर एक ऑप्शन सिलेक्ट करते हो, तो उसे बोला जाता है लीड. आप क्या प्रोसीड कर रहे हो, उसकी लीड. ओके, अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, देर आर डिफरेंट मैनुअल्स, कैटलॉग्स, मोनोग्राफ्स एंड फ्लोरा. मैनुअल्स जिसमें आपको रिसर्च पेपर्स मिलेंगे, कैटलॉग्स जिसमें पूरा एक पर्टिकुलर एरिया का सारा जो भी उसमें बायोडाइवर्सिटी है वो उसके पिक्चर्स के साथ दिया होगा, उसको आइडेंटिफिकेशन उसका दिया होगा. मोनोग्राफ्स अगर आप सिर्फ एक पर्टिकुलर ग्रुप पढ़ना चाहते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू स्टडी पाइसिस, तो मैं पाइसिस का मोनोग्राफ्स लूँगी जिसमें उसका सारा क्लासिफिकेशन दिया हुआ है. फ्लोरा इज़ ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट प्लांट्स. ओके, सो दिस वॉज आवर फर्स्ट चैप्टर, लिविंग वर्ल्ड. आई ट्राइड टू मेक इट एज ईजी एज पॉसिबल. आई होप दिस वॉज वेरी क्लियर टू यू. और अगर आपको कोई भी टॉपिक या कोई भी चीज़ इसमें मिस हो गया है या आपको समझ नहीं आया है, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए. ओके, एंड डू शेयर योर रिव्यूज़, हाउ डिड यू लाइक दिस टॉपिक. ओके, थैंक यू.